इस वक्त की बड़ी खबर है गढ़ थाना क्षेत्र से, जहां यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बताया जाता है कि उक्त बस गढ़ थाना क्षेत्र के रझौही से रीवा आ रही थी, जिसकी स्टीयरिंग फेल होने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। बताया जाता है कि तेज़ रफ्तार बस की अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई और चालक बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते घटना घटित हुई है। घटना में सीधी निवासी एक युवक की मौत होने की खबर आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि बस तेज़ रफ्तार से आ रही थी, अचानक स्टीयरिंग फेल होने पर चालक नियंत्रण खो दिया और घटना घटित हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। जाऊन पूछे तब ये पचे हैं वहाँ के कंकाल कर